वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें टक ऐप। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो ही सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकते हैं। मैंने मेरे साथ वाले चयनित साथियों का उदाहरण देखे हैं काफ़ी, वो ज़्यादातर एवरेज पृष्ठभूमि से आते हैं और एवरेज मार्क्स के साथ ही क्लियर कर रहे हैं। 100 में से 38 नंबर थे और 33 पासिंग मार्क्स थे और उसमें से भी 20 सत्रांक थे मेरे और 18 मैंने प्राप्त किए थे। खुद की क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें, आपको हीन भावना से ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, आप किसी से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक, मैं दिनेश बोरा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसने 12th में मैथ्स में सिर्फ 38 नंबर हासिल किए थे, उसके बावजूद भी उसने सिविल सर्विसेज में IPS में सेलेक्शन हुआ और 10वीं में भी जब उसको मेडिकल की वजह से कुछ एक साल गैप करना पड़ा तो परिस्थितियां काफ़ी विपरीत थी, बावजूद उसके 2019 में उनका सेलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो जाता है। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जगदीश जी नाम है और ये लोग गाँव से आते हैं। सबसे बड़ी बेहद बात है ऐसे गाँव से जहाँ पर शायद ये बाड़मेर है जहाँ पर एजुकेशन की कमी थी, लेकिन अब ये तस्वीर बताती है कि हालात बदल चुके हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर सबसे पहले तो वो किस्सा बताइए जब आपके मैथ्स में 38% और आपने मैथ्स ही ले सकती थी। अच्छा, वो ये हुआ था एक्चुअली कि मैं 10th करने के बाद कंफ्यूजन में था कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया जाए, तो उसमें मास कल्चर ये होता है कि जो पढ़ने में ठीक होता है उसको साइंस मैथ्स लेनी चाहिए या बायोलॉजी लेनी चाहिए और जो टेक्निकल फील्ड है उनकी तरफ परस्यू करना चाहिए। तो मैंने भी वही किया, मेरे मैथ्स में ठीक नंबर थे, सिर्फ एक यही रीज़न था मैंने साइंस मैथ्स ऑप्ट कर ली बिना सोचे समझे कि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ या नहीं। फिर मैथ्स में मैं 2 महीने में समझ में आ गया कि 10th की मैथ्स अलग है 12th की मैथ्स अलग है, तो फिर मैंने पिताजी को बोला कि मुझे छोड़ना है, तो उन्होंने मना किया कि भागना ठीक नहीं है, एक बार कोशिश करके देखो क्या पता हो जाए। लेकिन मैंने 2 साल की कोशिशों के बावजूद मैं मैथ्स में कंफर्टेबल हो नहीं पाया था और फाइनली 100 में से 38 नंबर थे और 33 पासिंग मार्क्स थे और उसमें से भी 20 सत्रांक थे मेरे और 18 मैंने प्राप्त किए थे। सर सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसा जब होता है ना तो ऐसा होता है कि आदमी मतलब हिम्मत हार जाता है, आपने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, शुरू में कुछ टाइम तक लगा था कि मैं अगर योग्य हूँ या नहीं हूँ, खुद की क्षमताओं पे सवाल उठने स्वाभाविक है, तो मुझे भी थोड़ा लगा था कि मैं पढ़ने में ठीक नहीं हूँ शायद और मुझे कोशिश करनी चाहिए या नहीं। लेकिन उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि मेरे पास कोई करियर विकल्प ही नहीं था, मुझे पढ़ना ही था, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मुझे करना ही था और मैंने किया। सर 10th में भी कुछ किस्सा हुआ था जिस कारण से आपको मतलब एक तरीके से फेल हो गए थे, वो चाहे मेडिकल वीजा, उस वक्त फिर आपको लगा नहीं कि पढ़ाई बहुत वापस सेकंड टाइम करना बड़ा थोड़ा टेढ़ा काम होता है? हाँ, बड़ा मुश्किल होता है, अब खुद से जूनियर्स बच्चे थे उनके साथ बैठ के और उन्हीं के साथ फिर से वही चीज़ें रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे मैं पढ़ने में शुरू से ठीक रहा था तो मुझे किसी ने फेलियर कह के चढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी खुद को लगता है, खुद की क्षमताओं पर डाउट होता है कि यार फिर से वही चीज़ें कर रहे हैं और फेल हो गए, मार्कशीट में फेल लिखा हुआ आना भी थोड़ा दिक्कत रहता है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए कि आमतौर पर ऐसा रहता है कि सिविल सर्विसेज में वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो 95-90% मतलब आमतौर पर, लेकिन आपका हमेशा मैंने देखा है तो एवरेज रहा है। जी, मैंने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा मैं शुरू से, लेकिन 12th में जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया कि 69% रहे हैं और ग्रेजुएशन में 65% रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे 90 अबव रहे हैं हर बार, तो कभी कभार मैंने 8th में जैसे मेरे 94% थे वो ठीक थे, लेकिन एवरेज स्टूडेंट की तरह ही मैंने बाद में जो ग्रेजुएशन और 12th थी वो उसी की तरह बिताई है मैंने। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो ही सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकते हैं। मैंने मेरे साथ वाले चयनित साथियों का उदाहरण देखे हैं काफ़ी, वो ज़्यादातर एवरेज पृष्ठभूमि से आते हैं और एवरेज मार्क्स के साथ ही क्लियर कर रहे हैं। अच्छा सर एक चीज बताइए, आप गांव से आते हैं तो मतलब एक सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, मतलब आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, तो आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में? नहीं, मेरी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में ही हुई है, बाल मंदिर बायतू से, लेकिन एक साल बीच में मैंने यहीं पढ़ा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बायतू में, तो सरकारी स्कूल का भी स्वाद ले रखा है मैंने। तो इंग्लिश का बड़ा हवा रहता है मारवाड़ क्षेत्र में खास तौर पे, क्योंकि शुरू से नहीं मिल पाते इंग्लिश रिलेटेड, अपने को अच्छे गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं होता और अच्छी पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध नहीं होती। लेकिन हालांकि अब इंटरनेट के ज़माने में और वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो इंग्लिश की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मुझे इंग्लिश की समस्या फेस करनी पड़ी क्योंकि मेरा माध्यम शुरू से हिंदी रहा है, तो अंग्रेजी में मैं ज़्यादा सहज रहा नहीं हूँ और उस वजह से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी माध्यम संबंधी दिक्कतें आई है मुझे। जैसे उदाहरण के लिए इस बार 2018 के एग्ज़ाम में 337वीं फर्स्ट रैंक है हिंदी माध्यम के लिए, तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहता है जितना अंग्रेजी माध्यम का रहता है, तो माध्यम की वजह से दिक्कतें आती है, अंग्रेजी की वजह से दिक्कतें तो आती है, लेकिन कोशिश करें आप अंग्रेजी में सहज हो पाएँ, उसके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर जो है उसको रेगुलर फॉलो करें और जो मोबाइल है उसमें आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं कुछ भी स्क्रॉल करते हैं तो उसमें जो नए नए टर्मिनोलॉजी है नए नए वर्ड्स हैं उन पे ध्यान देवें। अच्छा सर आपका सपना तो कुछ सिविल सर्विसेज में जाने का नहीं था जैसा कि आपने पहले मुझे बताया, क्या सपना था और फिर
अचानक ही सिविल सर्विस में कैसे पहुंच गए? शुरू में सोचा था कि मैथ्स लेके आईआईटी करेंगे और फिर प्राइवेट जॉब करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति रहा हूं, तो मुझे सोशल एक्सपोजर ज़्यादा पसंद है नहीं, तो सोचा था ये कि आईआईटी करके प्राइवेट जॉब करेंगे। लेकिन उसके बाद मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर ह्यूमैनिटीज़ लेनी पड़ी, और ह्यूमैनिटीज़ में पूछा तो किसी से सीनियर्स से, तो उन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज सबसे बेहतर ऑप्शन है, तो मैंने उसी को परस्यू किया फिर, और उसके बाद मैंने आरएएस और इसकी तैयारी की आईएएस की। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी आपका सफ़र कहाँ चल रहा है, अभी आपकी ट्रेनिंग वेनिंग हो गई है, कब तक ज्वाइनिंग होने की? मेरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है मसूरी में, लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मैं एग्जम्पशन पे हूँ, और मेरा जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हैदराबाद में होगी दिसंबर से। अच्छा सर, गांव से जो लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से तैयारी करें या कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? गांव के बच्चों में अक्सर ये समस्या देखता हूँ मैं कि वो हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, उनको लगता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे में क्षमताएं हैं या नहीं है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप खुद की क्षमताओं पे पूरा भरोसा रखें, आपको हीन भावना से ग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से कम नहीं है। अगर आप दृढ़ निश्चय रखते हैं और आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, तो आप सारी विषमताओं को पार पा सकते हैं, और आप किसी भी सिचुएशन से बिलोंग करते हो, किसी भी परिस्थिति से आते हो, आप सफलता ज़रूर हासिल कर सकते हैं। समाज के लिए सपना क्या है आने वाले टाइम में? आप आईपीएस बन गए, आपने भी कुछ देखा होगा, क्योंकि आप जिस परिस्थिति से आते हैं, खास तौर से महिलाएं वहां पर आज भी एजुकेशन को लेकर लड़ाई लड़ती है, घर से निकलने नहीं देते, क्या सपना है और समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन माँ बाप को, महिलाओं को आगे आने के लिए? जी, आपने बताया जैसा कि महिलाओं की स्थिति मारवाड़ क्षेत्र में विशेष तौर पर ठीक नहीं है, तो अगर मैं कुछ कर पाया अपनी समाज के लिए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की सिचुएशन में रहा, तो मैं ज़रूर महिला सशक्तिकरण की तरफ काम करना चाहूँगा, क्योंकि महिलाओं की स्थिति को मैंने शुरू से देखा है कि वो दोयम दर्जे का जीवन जीती हैं और उनको पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते, पुरुषों को अवैध रूप से लाभ हासिल है मारवाड़ क्षेत्र में, तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को कुछ आगे बढ़ने का अवसर प्रोवाइड करवा सकूँ, उनके लिए कुछ एनजीओ या फिर कुछ भी मेरी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ वो देना चाहूँगा मैं। ये थे जगदीश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग है, जो लोग कम मार्क्स लाते हैं उसके बाद में हिम्मत हार जाते हैं, शायद उन्हें इस स्टोरी से जरूर इंस्पायर होना चाहिए। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।